एक एक दिन हम लोग बिता रहे हैं, यहाँ पे आए सब एकदम जैसे सन्नाटा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं पल्लवी, पल्लवी की वॉइस में आप लोग का स्वागत है। तो जी, मैं बात करने वाली हूँ सृष्टि के बारे में कि सृष्टि का ब्लॉग एक दिन से नहीं आया। तो मैं उनका ब्लॉग देखती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा ब्लॉग लगता है। तो मैं कहीं ना कहीं अनुमान लगा रही थी कि उनके घर कुछ अनहोनी हो चुकी है। हालांकि मैं उनका शॉर्ट वीडियो नहीं देखी थी, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी पता नहीं चला था। तो चलिए बात करते हैं सृष्टि के घर आखिर हुआ क्या है। तो आपको पता ही होगा कि सृष्टि की जो सासू माँ है, उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब थी और वो बहुत ज़्यादा सीरियस थी। और आपको हर अपडेट यूट्यूब पे मिलता भी रहा होगा कि उनकी हालत कैसी है, कैसी नहीं है। तो सृष्टि की जो सासू माँ है, अब इस दुनिया में हमारे बीच नहीं रही। हालांकि वो शॉर्ट वीडियो में एक अपडेट दे दी थी, लेकिन कोई अभी लॉन्ग वीडियो में कोई अपडेट नहीं दिया, क्योंकि इस हालत में वो लोग नहीं होंगे कि कोई भी बड़ा अपडेट अपना कोई वीडियो पोस्ट करे या कुछ ऐसा दिखाए। और आपको पता ही होगा सृष्टि और सृष्टि की सासू माँ का बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा था। एक सगी माँ बेटी का भी क्या वैसा रिश्ता होता होगा, जो सास बहू का रिश्ता था। यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा उनकी जोड़ी को पसंद किया जाता था। आज जो हमारे बीच है, वो जोड़ी अब देखने को नहीं मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करती थी। शायद सृष्टि आज उस मुकाम पे है, वो अपनी सासू माँ के सपोर्ट की वजह से है, नहीं तो उतना वो आगे नहीं जाती। उनकी सासू माँ उनको बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, बहुत ज़्यादा प्यार भी करती थी, जिसे देख के यूट्यूब के लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। तो चलिए, ये थी हमारी छोटी सी अपडेट। ओम शांति जरूर लिखिएगा सृष्टि माँ, सृष्टि जी के माँ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा। बाय बाय दोस्तों, रखिए अपना।